स्टार्टिंग में हमने पूरे खेत के पानी को कवर करने के लिए हम लोगों ने ये एक नई तकनीक ईजाद की है कि ये 80 फीट ट्रेंचिंग इसका नाम है, यानी 80 फीट ये ट्रेंच को हमने 6 फीट गहरा खोदा है, ये 6 फीट वहाँ तक खोदा, फिर उसको लॉक रखा 10 फीट का। इस तरह से ये 80 फीट खोदने के बाद 10 फीट का लॉक, तो ये पूरा लास्ट 300 मीटर तक ये ट्रेंच बनाई है, तो ये पूरे 5 एकड़ का पानी ये ट्रेंच कवर करती है। तो हमने स्टार्टिंग का खर्चा, जैसे हमने लेबर के लिए पूरा हमने घर मकान बनाए, घर बनाए उनके रहने के लिए, साथ में ही हम लोगों ने ट्रेनिंग सेंटर बनाया, वो ट्रेनिंग सेंटर में 20,000 रुपये खर्च हुआ, जो मेहनत कश लोग हैं उनके लिए हमने रहने का घर बनाया, उसमें 3 लाख रुपये खर्च किया। ये ट्रेंच में हमने प्रति एकड़ उस समय 3,000 रुपये हमें खर्च आया, लेकिन 100% ये ट्रेंच खेत का पानी खेत में रोक लेती है, क्योंकि पहले हम लोग विभिन्न प्रणालियों से रोकते हैं और फिर ये ट्रेंच बचा हुआ पानी ये ट्रेंच रोकती है। इस तरह से 100% पानी ये ट्रेंचों के माध्यम से रुक गया। अब जब 100% पानी रुका है तो 100% सॉइल कंजर्वेशन का भी काम हो गया। तो अभी हमारा ये 5 वर्ष में फिर हम लोगों ने कुछ थोड़ी मिट्टी इसमें आई थी वो वापस मिट्टी इधर चढ़ा दिए। इस तरह से हम लोगों ने ये ट्रेंच बनाई है और ट्रेंच बनाने के बाद हर इसमें 10-10 फीट का लॉक रखा है। इसका ढलान ऐसा है तो हमने उसके पीछे पत्थर लगा दिया ताकि वो मिट्टी बह के न जाए। इस तरह से हमने वहाँ लॉकिंग का भी काम किया। 80 फीट का ये ट्रेंच बनाया, फिर ये 10 फीट का लॉकिंग रखा। 10 फीट का लॉकिंग इसलिए रखा कि वो ट्रेंच का पानी अगर लॉकिंग न रहे तो सीधा बह जाएगा, हमें तो पानी रोकना था। तो हमने लॉकिंग को सरफेस जमीन से 2 फीट नीचे रखा। इसको हम अब नए इसमें सोच रहे हैं कि इसको 1.5 फीट भी रखें तो सफिशेंट है, तो एक्स्ट्रा अगर पानी हुआ तो इसमें से निकलेगा, लेकिन ये कंटिन्यू ये ट्रेंच 4.5 फीट ये कंटिन्यू भर के रहती है। इस तरह से ये पूरी 300 मीटर तक 4.5 फीट लगातार भर के रहती है और धीरे धीरे वो ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट पानी होते रहता है। तो हमने पूरे खेत में एक ट्रेंच ऐसे 2 ट्रेंच बना के 30,000 रुपये में हमारा 10 एकड़ का पानी ये ट्रेंच 100% रोकती है। 30,000 में ये ट्रेंच हमारे यहाँ प्रति हेक्टेयर 80 लाख लीटर प्रति हेक्टेयर 80 लाख लीटर पानी ये ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट करता है विभिन्न तरीक़ों से और ये ट्रेंचों के माध्यम से। अब उसके साथ ही हमारे सॉइल कंजर्वेशन का काम होता है कि जिसमें 1 किलो मिट्टी हमारी बह के नहीं जाती खेत की, तो मिट्टी भी बची और ये भी बचा। इस तरह से ये ट्रेंचिंग प्रणाली से हमने पानी को रोका है।